आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। राजाखेड़ा में विधायक बोहरा ने किया टीकाकरण का शुभारंभ। हाट मैदान राजाखेड़ा स्थित अंबेडकर रैन बसेरा में आज टीकाकरण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा रहे, वह अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल ने की। विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पूर्व उप प्रधान राजकुमार तोमर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अजब सिंह जादौन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वैक्सीन की पेटी को गंगाजल से पवित्र कर भारतीय रीति रिवाज के अनुसार पुष्प मिठाई से पूजन करके की गई। रायाखेड़ा में पहला टीका ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह दुबे को लगाया गया। इसके बाद कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजकुमार यादव को टीका लगाया गया। कार्यक्रम में विधायक बोहरा ने कहा कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में इस महामारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन तैयार की, यह गौरव का विषय है। साथ ही आमजन को भरोसा दिलाया कि राजाखेड़ा की चिकित्सा सुविधा और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उपखंड अधिकारी ने कहा कि राजाखेड़ा में वैक्सीनेशन की शुरुआत हम और आप सभी के सहयोग से होने जा रही है, जल्द ही सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार दुबे ने लोगों को बताया कि चिकित्सा विभाग के सभी साथी आमजन तक वैक्सीन को पहुंचाने का कार्य करेंगे तथा हम सब आप सभी मिलकर सहयोग करेंगे और टीकाकरण को राजाखेड़ा में सफल बनाने का प्रयास करेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष व निवर्तमान प्रधान व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित किया। मंच का संचालन दिनेश प्रजापति ने किया। वसेड़ी में आज स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कोरोना टीका, चिकित्सकों ने जताई खुशी। लंबे इंतजार के बाद आज मंगलवार को पसेड़ी कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में COVID-19 की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे पूर्व आज सुबह 9 बजे BCMHO डॉक्टर महेश बंसल, CSC प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल व थाना प्रभारी बनेश सिंह गुर्जर द्वारा वैक्सीन का पूजन व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद बसेड़ी में प्रथम डोज COVID-19 का BCMHO डॉक्टर महेश बंसल ने लगवाया। इसके बाद CSC प्रभारी सहित अन्य कार्मिकों ने वैक्सीनेशन में भाग लिया। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही चिकित्सकों, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन के बाद सभी ने खुशी जाहिर की। BCMHO डॉक्टर महेश बंसल ने बताया कि वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने वैक्सीन की प्रक्रिया में भाग लिया जिससे वह अच्छा महसूस कर रही हैं। CSC प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल ने सभी फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की। थाना प्रभारी वनेश सिंह गुर्जर ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करना न भूलें। आपको बता दें कि बसेड़ी में COVID-19 के 216 डोज प्राप्त हुए जिसमें एक सप्ताह में 4 दिन तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया चलेगी। वैक्सीनेशन के प्रथम दिन आज 80 लोगों को टीका लगवाया गया। बसेड़ी हॉस्पिटल में कोरोना टीकाकरण चालू किया गया जिसमें श्रीमान BCMO महेश बंसल, थानेदार साहब बनी सिंह गुर्जर जी और हमारे अस्पताल का समस्त स्टाफ मौजूद था। सर्वप्रथम इस हॉस्पिटल में जो टीकाकरण लगाया गया महेश बंसल जी के लगा, फिर मेरे लगा और उसी के क्रमानुसार सभी डॉक्टरों के और चिकित्सा बंधुओं के चालू करवा दिया गया। हमने कोरोना महामारी के से हम एक साल से सभी आमजन पीड़ित था। ये वैश्विक महामारी थी। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को, जिनकी बदौलत आज हमको वैक्सीन अवेलेबल हुआ और उस वैक्सीन से हम अपने आप को धन्य महसूस करने लग गए कि अब हम कोरोना से। धौलपुर, राजाखेड़ा व मनिया के सहारा के कार्यकर्ता एवं जमाकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सहारा इंडिया कंपनी से भुगतान कराने की मांग। धौलपुर शहर, राजाखेड़ा एवं मनिया के सहारा इंडिया कंपनी के जमाकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा जिसमें सहारा कंपनी से भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा धौलपुर जिले के हजारों जमाकर्ताओं का भुगतान 2-3 वर्ष से नहीं किया जा रहा है जिस कारण जमाकर्ता हमारे घर आकर हमें परेशान कर रही है, जिसकी वजह से हमारा घर में रहना और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जमाकर्ता भुगतान नहीं होने के कारण हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अपमानित करते हैं। जिला कलेक्टर को बताया कि इस प्रकरण को लेकर हम पूर्व में भी 2 बार आपसे शिकायत कर चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों कार्यकर्ता और जमाकर्ता जिला उपभोक्ता मंच धौलपुर में केस दर्ज करा चुके हैं जिस पर उपभोक्ता मंच कंपनी को 1 माह में भुगतान करने के निर्देश दे चुकी है,
लेकिन कंपनी द्वारा अभी तक उपभोक्ता मंच के आदेश की पालना नहीं की गई है। ज्ञापन में सहारा इंडिया कंपनी से भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में महावीर, संगीता जैन, नीरज सिंगल, के अग्रवाल, हेमंत पारासर, जावेद सत्यनारायण आदि शामिल हैं। प्रजापति सारा इंडिया कार्यकर्ता धौलपुर से, हमारे आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, हमारे पेमेंट को लेकर के दिया जा रहा है, हमारे पेमेंट जो कि हम शिकायत भी कर चुके हैं और आज हम इकट्ठे हुए हैं, जो है हम कलेक्टर साहब एसी साहब को जो ज्ञापन दिया है, हम मांग कर रहे हैं कि मुख्य अधिकारियों के खिलाफ से, सारा इंडिया के मुख्य अधिकारी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए ताकि हमारे भुगतान हो, जिन जहाँ जहाँ भुगतान हो रहे हैं वो FIR के होने के बाद ही हो रहे हैं। हरिओम अग्रवाल धौलपुर से, हमारे सारा इंडिया परिवार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जमाकर्ता हैं, उनका कोर्ट के द्वारा भुगतान का आदेश होने के बाद भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार से पेमेंट को वो कंपनी वाले जमाकर्ता घर आगे उधम मचाते हैं, कंपनी वाले बार बार टाल रहे हैं, जमाकर्ता हमारे घर पे आके उधम भी मचा रहे हैं, हमें परेशान है, हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, हम निवेदन है कि उनका हमारा भुगतान किया जाए। इनामी डकैत लादेन को धौलपुर कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। धौलपुर पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने कल सोमवार को 10,000 रुपये के इनामी बदमाश ओमबीर उर्फ लादेन को शैंपू एवं कंचनपुर इलाके के जंगलों से पकड़ा था, जिसे आज धौलपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत ने बताया कि 3 सितंबर 2020 को धौलपुर पुलिस की इनामी डकैत केशव गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10,000 रुपये का इनामी बदमाश ओमबीर उर्फ लादेन भी शामिल था। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के एक सिपाही को गोली लगी थी, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया था। तभी से पुलिस लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत कल सोमवार को खूंखार इनामी बदमाश केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य और 10,000 रुपये के इनामी बदमाश ओमबीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के आधार पर अन्य बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वह हथियारों की जानकारी जुटाई जा रही है, कुछ हथियार बरामद भी कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश लादेन से पूछताछ के दौरान मिली सूचनाओं के आधार पर डकैत केशव के ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। SP सिंह ने बताया कि आज गिरफ्तार बदमाश लादेन को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। 3/10 को जो केशव गुर्जर गैंग के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें ये भी बदमाशान के साथ मौजूद था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी के गोली लगी थी और गंभीर अवस्था में उसको आगरा और जयपुर भिजवाया, उसके बाद उसका इलाज के उपरांत वो अभी स्वस्थ है। उसके द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई के लिए कई टीमें गठित की हुई हैं और निरंतर करेंगे, और इसके पास जो भी सूचनाएं हैं उसके आधार पर हम केशव गुर्जर गैंग, इसके खुद के जो साथी हैं और अन्य जो बदमाशों को शरण देने वाले व्यक्ति हैं, जिन जिन के पास अवैध हथियार हैं, जो किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त हैं, जो भी जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी उस पर हम ऐसे व्यक्तियों की धरपकड़ करेंगे और अपराध नियंत्रण पूरी तरह से धौलपुर जिले को अपराध मुक्त करने का प्रयास करेंगे। भार्गव बाटखा में हुई रोजगार महासंघ की बैठक, सरकार के फैसले पर जताया आक्रोश। राजस्थान रोजगार महासंघ धौलपुर के बैनर तले आज बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर भार्गव बाटखा धौलपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष असलम चौपदार ने की। बैठक में सरकार के द्वारा लेवल प्रथम में BEd वालों को बहार करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही बैठक में सरकार के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने इसे लेकर कहा कि देवेश कुमार नाम के युवक की ओर से एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है, क्योंकि लेवल प्रथम में NCT की नई गाइडलाइन के अनुसार BEd वाले पात्र हैं, जबकि सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, जिस कारण सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रदेश सचिव महावीर कसानिया, प्रदेश प्रवक्ता सुनील झांझरिया, मुकेश छिम्पा, जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा, सतीश राठौर, देवेश शर्मा, कदीर खान, वीर राजौरिया, नरेश कुशवाहा आदि BEd धारी युवक उपस्थित रहे। आज हमारी टीम
धौलपुर के दौरे पे आई है जयपुर से, और हमारी जो मुख्य मांग है लेवल फर्स्ट में जिस प्रकार से एनसीटी के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से बीएड वाले बाहर हो गए, तो ये बीएड वालों का जो आक्रोश था जिसकी वजह से हम एकत्रित हुए ताकि आगे की रणनीति को हम तैयार कर सके। चाहे अगर हमें व्यवस्थापिका ने मना किया तो हम न्यायपालिका के दरवाजे पे जाके अपने न्याय ले सके, इसके लिए हमारी एक मीटिंग आयोजित हुई जिसके लिए हम तैयार हो गए। अब मिलेगा आपको खाने का असली स्वाद, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है चौधरी फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, चाइनीज खाना और नाश्ता एक ही छत के नीचे। नाश्ते में फिंगर चिप्स, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ग्रिल टिप्स, पनीर फिंगर आदि। साउथ इंडिया खाने में डोसा मसाला, पनीर मसाला, इडली, उत्पम, चाउमीन आदि। इंडियन खाने में मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्सी रोटी, आलू पराठा, लच्छा पराठा, पनीर पराठा आदि। फैमिली और कपल्स के लिए केबिन सुविधा उपलब्ध। मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी की भी सुविधा उपलब्ध। एक माह तक खाने पर 5% की विशेष छूट। प्रॉप राइटर मान सिंह चौधरी, पता दीपा रेडीमेंट के बगल में, पुरानी सब्जी मंडी, धौलपुर। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। पुराने शहर में हुई श्रीराम मंदिर निर्माण निधि को लेकर बैठक आयोजित। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण निधि के लिए धन संग्रह समर्पण निधि एकत्रित करने के लिए आज पुराना शहर धौलपुर में टोली की बैठक रामबाबू चौधरी की धर्मशाला पुराना शहर में हुई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि 492 वर्ष की लड़ाई के पश्चात श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह 15 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है, जो कि प्रत्येक हिंदू व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा। वह उनकी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पण निधि में धन देने का आग्रह किया जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसमें भागीदार बन सके। व्यक्तियों को उनमें दिए गए धन के अनुसार रसीद, कूपन आदि वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष बिहेप सुभाष पचौरी, संरक्षक भारतीय मजदूर संघ लज्जाराम गुजर, पार्षद अनिल धारिया, राजेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र, नगर संयोजक बजरंग दल नरेश कुमार, सुमित सक्सेना आदि मौजूद रहे। बैठक की गई जिसमें ये निर्णय किया गया कि समिति के सदस्य घर घर जाकर पुराने शहर जो हमको क्षेत्र दिया गया उस क्षेत्र में धन संग्रह करेंगे श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए। का अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए अपने हमने समिति बनाई है और ये समिति अपने क्षेत्र में जो विद्यापाड़ा क्षेत्र बनाया है उसमें हम धन संग्रह करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और चौधरी साहब की धर्मशाला में हमारी आज बैठक हुई है, अपने अपने सब भाइयों ने विचार रखे हैं। रायाखेड़ा में युवाओं ने महाराणा प्रताप को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। रायाखेड़ा कस्बे में एक निजी गार्डन में आज वीर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर राजपूत समाज के युवाओं द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा वीर गाथा की कहानी सुनाई। इस दौरान भगवान दास जादौन, यशपाल सिंह, गिरवर सिंह, मिलन सिंह, भंवर सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह, लोकेंद्र परिहार, डोंगर सिंह आदि मौजूद रहे। किला कॉलोनी में किया गया जनप्रतिनिधियों का स्वागत समारोह आयोजित।
नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 44 के नागरिकों एवं लोधा समाज के लोगों द्वारा केला कॉलोनी धौलपुर में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह चौधरी, सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह चौधरी एवं पार्षदगण विशंबर दयाल शर्मा, आनंद मिश्रा पार्षद प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक लक्ष्मण सिंह शर्मा, बाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रिजादुद्दीन खान, लोधा समाज के भगवती सरपंच महेश ठाकुर लोधा सरपंच व जय सिंह राणा पार्षद मौजूद रहे। सभी अतिथियों का वार्ड वासियों एवं लोधा समाज के लोगों ने माला एवं साफा पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक ओम प्रकाश लोधी, बसंत लोधी, अश्विनी लोधी ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर केला कॉलोनी वासियों में केदार शर्मा, उमाकांत शर्मा, पप्पू कंसाना, शरीफ वकील, वासुदेव परमार, श्रीराम शरण शर्मा, दिनेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, राजबहादुर शिकरवार आदि मौजूद रहे। गुलाबबाग चौराहे पर यातायात नियमों की पालना को लेकर वाहन चालकों से की समझाइश। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में धौलपुर जिले में 32 बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मंगलवार को जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा व यातायात पुलिस अधिकारी यशपाल सिंह ने गुलाबबाग चौराहे पर वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश की। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी व यातायात पुलिस अधिकारी ने वाहन चालकों को रोली चावल का तिलक लगाकर उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया, साथ ही यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट भी भेंट किए। इस दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को रोककर उनसे नियमों की पालना को लेकर यातायात प्रभारी द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि चालान करना हमारी मजबूरी है, यदि आप नियमों की पालना करेंगे तो हमें चालान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक राजेश पांडे, श्रीकांत कुमावत, बाबूलाल बघेल, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। कल से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था, आज लोगों को यहाँ गुलाबबाग सर्किल पर रोक करके उनको समझाया गया, उनको पंपलेट वितरण किए गए, उनको मौखिक रूप से समझाया गया कि भाई आप हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का उपयोग करें, उनको गुलाब के फूल और उनका तिलक करके उनका स्वागत किया गया। भाई आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, लोगों ने माना भी है कि वो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं बिना हेलमेट आ रहे हैं या जैसे कुछ आ रहे हैं, उनको जो है रूल्स को ये प्रिंट बनाया हुआ है और ये सबको पढ़वाया गया ताकि उनको ये एहसास रहे कि उनमें क्या क्या नियम उनको पालन करने चाहिए, और उसके हिसाब से और उनको पढ़वाने के बाद में उनका गलती बताते हुए कि भाई तुम्हारी ये गलती है, इस वजह से इसमें उनको तिलक किया गया और गुलाब का फूल दिया गया। उनको ये भी कहा गया कि ये फूल जो है आपके लिए है, कहीं किसी की तस्वीर पर नहीं चढ़े और ये तिलक भी किसी की तस्वीर पर नहीं हो, ये अच्छा लग मतलब उसमें कोई दुर्घटना की बात हो, कोई इस तरह की बात हो, ऐसा किया जा रहा है। और नए यातायात नियमों के जो जुर्माने हैं और जो प्रावधान आए हैं उनके बारे में भी उनको बताया जा रहा है कि अब जो पहले जैसा नहीं रहा, अब ये जुर्माने लगभग 10 गुने हो गए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं व्यापारी भगवान दास गोयल का निधन, वाड़ी कस्बे में छाई शोक की लहर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वाड़ी के प्रसिद्ध उद्योगपति भगवान दास गोयल का आज जयपुर में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही परिवारी जनों सहित शहर के लोगों में शोक छा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार जयपुर में आज शाम को किया गया। दिवंगत भाजपा नेता भगवान दास गोयल गुदरिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध थे। भाजपा में उन्होंने कई सालों तक काम किया और महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। उनके निधन पर बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, बाड़ी विधायक गिरराज सिंह मलिंगा, धौलपुर विधायक सुवरानी कुशवा, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा, नगर अध्यक्ष दिनेश चंद मामा, अग्रवाल समाज के प्रदेश सचिव मुन्नालाल मंगल, अग्रवाल समाज पूर्वी राजस्थान अध्यक्ष गिरीश गर्ग, अग्रवाल समाज के धौलपुर जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल, जिला महामंत्री मनोज मोदी, अग्रवाल सभा बाड़ी नगर अध्यक्ष सुनील गर्ग, व्यापार एवं किराना संघ अध्यक्ष सुनील बंसल, महामंत्री राजेंद्र गर्ग, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया, अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अंशुल गर्ग, अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु महेरे, अग्रवाल नव नियोग मंडल अध्यक्ष विशाल गर्ग, सुजीत लहचूरिया, योगेश मंगल, मोनू सहित शहर के गणमान्य लोगों एवं विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि दी है। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर ए के एस राठौड़, मुंबई, MD शल्य तंत्र।
मोबाइल नंबर 7000225033 9165741677। टाइल्स के मामले में देश की नंबर वन कंपनी सिंपोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स। फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स। टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता। इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉच प्रेशन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिंपोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपौ रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें, टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। तीर्थराज मचकुंड पर किया सर्व ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत। सर्व ब्राह्मण महासभा धौलपुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष लवकु शर्मा उर्फ लव्वो का तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर स्थित श्री लाडली जगमोहन मंदिर पर स्वागत एवं सम्मान किया गया। मचकुंड महंत कृष्णदास जी महाराज ने जिला अध्यक्ष लवकु शर्मा का रोली से टीका लगाकर, शॉल उड़ाकर व साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशांत हुंडावाल प्रिंस, अनुराग मुदगल, अवधेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने जिला अध्यक्ष का माला पहनाकर व बुक्के देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष लवकु शर्मा ने कहा कि हमें अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करते हुए पूरी एकजुटता के साथ समाज के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, जिससे वे अपने समाज उत्थान के साथ साथ देश के प्रति अपने फर्ज को भी अदा करें। इस मौके पर नारायण राजेंद्र, रजत शर्मा, अभिषेक दुबे, विप्र संजीव, अभिषेक हुंडावाल, भानु धर्मवीर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश मिश्रा जी द्वारा मुझे सर्व ब्राह्मण महासभा का जो जिला अध्यक्ष बनाया ब्राह्मण समाज के लिए, मैं उनका एक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उनको ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए पूर्ण कार्य करे जाएगा और युवाओं के लिए और उनके जो भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाने का और समाज के हित के लिए काम किया जाएगा। पहाड़ वाले बली पर कब्रिस्तान की साफ सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। धौलपुर शहर स्थित हजरत अब्दाल सहार रहमतुल्ला अलैह पहाड़ वाले बली के कब्रिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। कब्रिस्तान में झाड़ियों के अंबार लगे होने के कारण पूर्वजों की कब्रों तक पहुंचने में परेशानी होती थी, जिसके लिए समाज के युवाओं द्वारा साफ सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहजाद खान जलमानी, मुबीन अहमद फारूकी, आबिद बेग मिर्जा, नफीस खान अब्बास, हाजी सायद अब्बासी, अमजद अली, अनीस आदि मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। नागर गांव में आबकारी विभाग ने पकड़ा अवैध स्प्रिट से भरा ड्रम। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम के निर्देश पर धौलपुर के जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह के नेतृत्व में बीती रात को मुखबिर की सूचना पर दोबारा से नागर गांव में दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें आम रास्ते से एक प्लास्टिक ड्रम में भरी करीब 125 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद की गई, जिसके आरोपियों की तलाश की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने नागर के अलावा राजाखेड़ा व अन्य गांव में भी दबिश की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चौधरी, आबकारी निरीक्षक लोकेश कुमार, आबकारी निरीक्षक अरुण अग्रवाल व आबकारी थाना धौलपुर व बाड़ी का जाप्ता शामिल रहा। आपको बता दें कि रविवार रात्रि को भी नागर गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। गत दिनों जो धौलपुर वृत्त के नागर गांव में रात्रि में दबिश देके नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी गई और उसमें विभाग द्वारा 60 लीटर स्प्रिट, चिलिंग मशीन, विभिन्न देशी शराब के ब्रांडों के लेबल और ढक्कन वगैरह बरामद किए थे। मौके पर जिस गांव घर से तलाशी ली गई, मुलजिम मौके से फरार हो गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में कल रात में दोबारा दबिश दी जाके सूचना मिली थी, गांव के रास्ते में एक ड्रम पड़ा हुआ है, तो रात को 10 बजे जाके वो ड्रम बरामद करके लाए, जिसमें कि करीबन 125 लीटर स्प्रिट बरामद हुई। नेहरू युवा केंद्र पर हुआ युवा सप्ताह का समापन।
नेहरू युवा केंद्र धौलपुर व युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे युवा सप्ताह कार्यक्रम का समापन आज नेहरू युवा केंद्र कार्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोशनलाल मीणा व हरमिंदर सिंह रहे। अध्यक्षता अजय कुमार NYB ने की। अतिथियों का स्वागत गजेंद्र सिंह डागोर ने माला पहनाकर किया। मंच का संचालन सारांश अग्रवाल मंडल अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड ने किया। मुख्य अतिथि रोशनलाल मीणा ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के पदों पर चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान सिंह मंडल अध्यक्ष भगपुरा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रति युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि घर और समाज के साथ देश को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह डागोर ने भी संबोधित किया। इस दौरान कपड़े के बने मास्क भी बांटे गए। इस अवसर पर कुलदीप कुमार, स्वदेश माहेश्वरी, ब्रजमोहन यादव, नरसिंह राणा, सूरज राणा, सुनील दिलीप, बॉबी मीणा आदि मौजूद रहे। वसेड़ी के सूरज शर्मा का हुआ एम्स में चयन। वसेड़ी क्षेत्र के गांव भागीतपुरा निवासी सूरज शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा का रायपुर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड के पद पर चयन हुआ है। चयन होने पर क्षेत्रीय लोगों व परिजनों ने सूरज का माल्यार्पण कर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सूरज के बड़े भाई ब्रजकिशोर शर्मा भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, जो दरभंगा बिहार में लगे हुए हैं। सूरज के पिता एक किसान हैं। इस मौके पर पिता ओम प्रकाश शर्मा, ताऊ रामबीर शर्मा, चाचा कृष्ण कुमार शर्मा, भाई ऋषि शर्मा, महावीर शर्मा, विप्र फाउंडेशन के वसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवन का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ, तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 KB बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल, होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स। यहां ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम, फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414-23-84-12। सैपो के सचिन का हुआ CHO के पद पर चयन। धौलपुर जिले के सैपो कस्बा निवासी सचिन शर्मा का राजस्थान CHO के पद पर चयन हुआ है। इस पर परिजनों और सगे संबंधियों ने खुशी जाहिर की है। सैपो निवासी सचिन शर्मा पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा का राजस्थान में CHO भर्ती में चयन होने पर परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरज कुमार दीक्षित सहरौली ने बताया कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सचिन ने ये सफलता हासिल की है, जिस पर सचिन का माला पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाई खिलाई गई। वसेड़ी निवासी बुजुर्ग ने दिया ईमानदारी का परिचय, बैंक को लौटाए 10,000 रुपए। आज के समय में पैसों को लेकर कुछ लोगों की नीयत बिगड़ जाती है, लेकिन इस कलयुगी जमाने में कुछ लोगों का जमीर अभी भी जिंदा है, जिसका उदाहरण बसेड़ी के नयावास मोहल्ला निवासी रामचरण जाटव ने दिया। मामला यूं है कि 15 जनवरी को रामचरण जाटव निवासी नयावास मोहल्ला बसेड़ी की PNB शाखा में 20,000 रुपए का चेक लेकर रुपए निकालने गए थे, लेकिन इस दौरान कैशियर द्वारा भूलवश रामचरण को 30,000 रुपए सौंप दिए, लेकिन रामचरण ने घर पहुंचकर रुपए गिने तो उसमें 10,000 रुपए अधिक थे।
इसी दौरान शाम को बैंक में कैशियर द्वारा कैश का मिलान करने पर 10,000 रुपये की भूल भी दिखाई दी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। इसी बीच बैंक का अवकाश होने के बाद रामचरण 18 जनवरी सोमवार को वापस बैंक गया और इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक को दी। इसके बाद उसने 10,000 रुपये कैशियर को सौंप दिए। बुजुर्ग की ईमानदारी को देखकर शाखा प्रबंधक प्रदीप सिंह ने रामचरण का अभिवादन किया और उसका सम्मान भी किया। इस दौरान कैशियर शैलेंद्र सिंह, रामेश्वर आदि स्टाफ मौजूद रहा। स्वच्छताग्राही बसेड़ी की बैठक भूतेश्वर मंदिर पर आयोजित। बसेड़ी ब्लॉक के सभी स्वच्छताग्राही की बैठक आज भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह विगत 3 वर्षों से बिना मानदेय के कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी सदस्यों द्वारा नियमित रोजगार प्रति माह मानदेय, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया। बैठक में चंद्रकांत पारासर, नीरज शर्मा, सुरेश वंदना, किरण देवी, गीता मीना, राजवीर बनवारी, संगीता राजकुमारी, अनिल आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।